अस्सलाम वालेकुम, सस्त्री काल, नमस्ते। यार कहते हैं कि हम लोग हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है, जो यंग बच्चे हैं, उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए। ऐसे ही कुछ 07 टीम के बच्चे हैं, फैशन शेख, अदनान, हाँ, शादान, फैज, हसनैन, ये पांच बच्चों ने एक टिकटॉक पे छोटा सा वीडियो बनाया। अच्छा, बनाया ये वीडियो 171 मिलियन लोगों ने। कितने? 171 मिलियन लोगों ने ये वीडियो बनाया, यानी कि आधे हिंदुस्तान ने वीडियो बनाया। लेकिन पांच लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ ये पांचों को। इन्होंने इतनी मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक नाम बनाया है। बहुत मेहनत करते हैं लड़के लोग, और आज उनके साथ ये बर्ताव कि ये पांचों ने भारत देश में दंगे फैलाने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की, ऐसे आरोप उन पे लगा के, उन पे एफआईआर करके, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल इतने फेक न्यूज चला रहे, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। ये पांचों बच्चे अपनी मेहनत से इतने आगे बढ़े, इतने लोगों का अकाउंट है, लेकिन सिर्फ ये इनके अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, इनकी सक्सेस को रोका जा रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग मुसलमान हैं पांचों? क्या सिर्फ इसलिए? मैं महाराष्ट्र के सीएम से ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ राजनीति हो रही है सर। ये कॉलेज के बच्चे जो अपना करियर बना रहे, इसके जरिए अपना घर चला रहे, अपने मां बाप को पाल रहे, अपने सपनों को पूरा कर रहे, उनके साथ राजनीति कर रही है सर लोग। तो सर ये बहुत गलत चीज हो रही है। मेरा महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी से, अबू हाशमी जी से, मैं ओवैसी जी से, जितने भी लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि इन बच्चों के साथ राजनीति ना किया जाए, इनको अलग छोड़ दिया जाए सर। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, और मैं सब लोगों से कहता हूं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर मारिए पहले तो इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो। सिर्फ वीडियो देखा ना करो, उंगली में जान लाओ, गोली नहीं चलानी है, शेयर मारना है, गोली नहीं चलानी है। इतना तो करो, लाइक मार देते हो, कमेंट मार देते हो, इसको शेयर मारो। सारे वीडियो जो मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्या मैं अकेला जेल जाऊं हर बार? मेरी भी फैमिली है यार, मेरे भी बच्चे हैं भाई। अगर मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो कम से कम मेरा साथ तो दो यार। हर बार मैं अकेला पड़ जाता हूं, पुलिस आ जाती है घर पे, जेल ले जाते हैं, जेल में डाल देते, ड्रग्स का केस लगा देते, ये कर देते, वो कर देते, उसके बाद भी मैं आवाज उठा रहा हूं। मेरे घर वाले मना करते हैं, बीवी मना करती है, दोस्त मना करते हैं, डायरेक्टर मना करते, लेकिन मेरे सच के लिए मेरी आवाज उठेगी। तो इसको शेयर मारो और उनका साथ दो, उनको सपोर्ट करो। आई स्टैंड विद 07, प्लीज यू ऑल स्टैंड विद 07 टीम, और उनको सपोर्ट करो। और इसके पहले की भी जो वीडियो है वो भी शेयर मारो यार, और देखो मत, शेयर मारो, लोगों तक पहुंचाओ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।